दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर एवर पे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक सवाल के बारे में जो बहुत सारे डायबिटिक या ब्लड शुगर के मरीज पूछते ही पूछते हैं कि क्या वो अनार खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। देखिए, अनार बहुत अच्छा फल होता है, जी ललचा जाता है जैसे आप अनार के दाने देखते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि क्या शुगर के मरीजों को अनार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या इससे कुछ उनको नुकसान भी हो सकते हैं या इसको खाने से फायदा मिलेगा। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो का आखिर तक देखना पड़ेगा, आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई अनार की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है और उसको खाने के क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो है ना विटामिन कई सारे पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन के पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है और इसके अंदर फोलेट्स की मात्रा भी पाई जाती है। इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है और इसके अंदर कॉपर एंड पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा करीब 35 से 40 ग्राम तक होती है। एक मीडियम अनार की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो करीब 1.7 ग्राम होता है, यानी कि कम ही होता है। फैट भी करीब 0.6 ग्राम ही होता है, ना के बराबर फैट होता है। लेकिन इसके अंदर जो फाइबर की मात्रा है वो करीब 11 होती है। अब ये जो अनार के अंदर इतनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, इसके अपने फायदे हैं। ये कई बार देखिए ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपकी इंसुलिन की रेसिस्टेंस को भी ठीक करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव के तौर पे काम करता है, लीवर की हेल्थ को बहुत अच्छे से मजबूत कर देता है, जिससे आपकी बाकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने लगता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पोटेशियम होता है और ये दोनों ही चीज़ें हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अगर अनार के इतने सारे फायदे हैं तो भाई सवाल ये उठता है कि क्या शुगर के मरीज खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें जानना होगा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, ग्लाइसेमिक लोड कितना होता है। उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि शुगर के मरीज अनार खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो कितने अनार एक दिन में खा सकते हैं और उसके खाने से होगा क्या, क्या नुकसान होगा या फायदा होगा। तो देखिए, ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी किसी भोजन के कॉम्पोनेंट में शुगर या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और उसको फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे केस में अनार का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो करीब 40 है और इसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 35-40 होती है। तो अगर हम 35 × 40/100 करते हैं तो जो ग्लाइसेमिक लोड है वो आता है 14 ग्लाइसेमिक लोड। देखिए मीडियम है, थोड़ा नीचे ही है, 15 से के नीचे होता है, तो हम इन चीज़ों को शुगर के मरीजों को भी दे सकते हैं, कंसीडरिंग के बाकी जगहों से थोड़ी सी अपनी शुगर की मात्रा को कम कर ले दूसरे भोजनों से। इस लिहाज से क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 14 आता है, हम शुगर के मरीज को एक अनार रोजाना दे सकते हैं। अब क्योंकि ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है तो शुगर के मरीज बिना डर एक अनार, छोटा अनार आराम से खा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको, क्योंकि इससे आपको करीब 35-40 ग्राम ग्लूकोज मिल जाएगा, उतना ग्लूकोज आप किसी दूसरे भोजन से, रोटी से, चावल से, किसी और सोर्स से कम कर लें। तो आप आराम से अनार खाएं, इससे आपको हार्ट की हेल्थ मिलेगी, ब्लड शुगर भी आपका मेंटेन होगा, एंटीऑक्सीडेंट है तो बाकी रोगों से लड़ने में मदद मिलेगी, डाइजेशन ठीक रहेगा तो लीवर ठीक रहेगा। इस तरीके से आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अनार ठीक करेगा। तो मुझे उम्मीद आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हाँ, शुगर के मरीज भी अनार खा सकते हैं और उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको वाकई जानकारी मिली, अच्छी लगी, तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।